सर वी आर लाइव नाउ। इसको मतलब कितना बड़ा करना है, इसको यहाँ से उठा, इसको यहाँ पे बंद पैक करने का है, इसको है ना वेन्यू चाय बनाने का इधर बी प्रेसिंग डाउन लाइक दिस चलेगा नहीं बदर निकाल निकाल लेगा दिस इज फॉर टू वे ठीक है ऐसा है वो जब टू वे लगेगा तभी ये टू वे टेप है जब हम लोग को जरूरत ही नहीं अभी तो वैक्यूम में ना ये केस ऑफ इमरजेंसी में यूज इट गॉट इट ये रखो अभी इसको खाली ज्वाइन कर इसको देख के ज्वाइन कर ही शोइंग दिस इन चलेगा आई कैन टेक इट हियर यू ले रहा है इसमें दिया हुआ है वी गॉट मी एक्चुअली बट अभी मैं आधा ध्यान इधर है ना Put everybody on mute. Dada Sha. जो सब कुछ तू ही मुझी जिंदगी तू ही मुझो सब कुछ तू ही मुझी जिंदगी
दासन जी मां दासन चाउठ ते एक चाकर तुझे दासन जी मां दासन चाउठ ते एक चाकर दादा श्याम तू ही मुंजी जिंदगी, तू ही मुंजी बंदगी, तो बिन ही जीवन बेकार, तुझे दासिन जी आया दासी, तुझे चाउठ जी चाकर। नहीं तो मैंने मेरा तो ऑन करके रखा। क्या बात है दादा श्याम। दादा जशन वासवानी जी के जन्मदिन का 102 वर्ष आज हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड की ओर से, विशेषकर इसी बोर्ड का प्रस्थापित कॉलेज श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी एमएमके कॉलेज आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम शो में आज इस विशेष कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है, जिस कार्यक्रम को हमने शीर्षक ही दिया है रूह रिहान द मूवमेंट ऑफ काम। आज 2 अगस्त के दिन जब दादा जशन वासवानी जी का जन्मदिन है, पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में 2 अगस्त 2 बजे एक शांति का संदेश पूरे जग में, पूरे देश में जब जा रहा है, तब उसी दिन हम इस कार्यक्रम को आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका कार्यक्रम का नाम ही हमने रखा है रूह। अपने अपने रूह की जो संतुष्टि है, आज देखिए संघर्ष का जीवन है, आज कोरोना का काल है, कोविड-19 का जो ये समय चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, ऐसे समय में हम अपने मन को चित्त शांत कैसे रखें, यही सिखाता है हमें दादा जशन वासवानी जी का उपदेश। उन्होंने कई सारे ऐसे कोटेशंस दिए हैं जो हम अपने जीवन में अगर अपने जीवन के साथ उसको लगा देते हैं तो जीवन हमारा जैसे एक सकुशल रूप से जीवन जीने का जैसे सलीका कहते हैं तो सलीका हमें आ जाता है। दादाजी का एक कोटेशन है, मैंने अपने दिल से उसे लगाया है, हार्ट्स एट पीस विल क्रिएट वर्ल्ड पीस। आपके दिल में अगर शांति है तो दुनिया में भी शांति। कहते हैं सिंधी में कहते हैं जी खुश तो जहान खुश। तो अपने मन को खुश रखने के लिए दादा ने एक हमें एक मतलब मंत्र दिया है, माफ करना। आज इस दिन को हम द डे ऑफ फॉरगिवनेस के हिसाब से, मतलब उस शीर्षक से भी मनाते हैं, द डे ऑफ फॉरगिवनेस, माफ करना। जिसे आ गया तो माफ करने की जो सोच है वो उस सोच में ऐसा जादू है जिससे हमारी कई परेशानियां दूर हो जाती। कई बार ऐसे संघर्ष हमारे जीवन में आ जाते हैं, किसी अपने आप को तो हम सकुशल रूप से चला रहे होते हैं लेकिन सामने कुछ ऐसी दिक्कतें हैं
जिनका कोई समाधान नहीं मिलता। तो वैसे में अगर हमने अपने मन को समझा दिया कि बस माफ करना है, ऐसे इनकी जो भी गलतियां हुई भगवान इन्हें माफ कर दो, हमसे जिन्होंने जो भी बुरा किया उनको माफ कर दो, हमें हमारे कर्मों में अच्छा करो, ये माफ करने का जो संदेश है वो दादा ने दिया है। आज इसी संदेश के साथ एमएम के कॉलेज आपके सामने प्रस्तुत है इस लाइव स्ट्रीम शो में। आज के इस विशेष शो में हम अपने बोर्ड की तरफ से कुछ विशेष अतिथियों को, जो ट्रस्टीज हैं, वो भी आपके समक्ष आएंगे, अपने विचार रखेंगे। देश विदेश के जो प्रसिद्ध महान पार्श्वर्य गायक है जिनका नाम है घनश्याम वासवानी जी, वो एक भजन संध्या के रूप में आज अपने कुछ भजन हमें सुनाएंगे, और एक आत्मिक संतुष्टि, मन की खुशी इन दिनों में प्राप्त करने जैसा एक महान कार्य आज कॉलेज की तरफ से, एमएम के कॉलेज जो पूरे हमारे मैनेजमेंट है कॉलेज की, किशोरी सर हो, उनके सब साथी हो, हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेज बोर्ड के सारे, मैं देख रहा हूँ ट्रस्टीज भी हमारे सामने उपस्थित है, वो भी समय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। चलिए कार्यक्रम के शुरुआत में चलते हैं। याद रखिए कि माफ करना ही जीवन की वो जादुई शक्ति है जिससे हम अपने जीवन को सकुशल चला सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है रूह रिहान। आइए, रूह रिहान मतलब हम आपस में कुछ ऐसी बातें करें, इस कार्यक्रम को कुछ इस तरह से चलाएं कि हमारे रूह को खुशी प्राप्त। चलो रूह रिहान करते हैं। चलिए घनश्याम वासवानी जी के साथ उनसे मिलते हैं। स्क्रीन पे मैं टीम से निवेदन करूंगा घनश्याम वासवानी जी को लाएं, उनके कुछ भजन सुनते हैं। दादा श्याम, दादा श्याम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस शुभ अवसर पर हम अपने पूजनीय हमारे दादा जशन वासवानी जी को याद करते हैं। आज उनका 102 बर्थ एनिवर्सरी डे है, और उनके संदेश जो थे उनको कई लोगों ने ग्रहण किया, उनकी जिंदगी संवर गई, और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस युग में आध्यात्मिक रूप में कुछ ऐसा रास्ता बने। तो दादाजी ने बड़े आसान से उपाय बताए थे। एक था नाम स्मरण, और जैसे हमारे दीपक वाटवानी साहब ने कहा कि भाई सबसे बड़ी बात है माफ करना, है बड़ा मुश्किल, हम इंसान हैं, लेकिन कोशिश सभी कर सकते हैं, और उसमें बड़ा एक आत्मा को संतुष्टि मिलती है और आगे काम करने का एक पॉजिटिव अप्रोच हो जाता है। मैं शुरुआत में कुछ दोहे, जो दादाजी की फिलॉसफी भी थी, कुछ हिंदी में भजन, एक आज सिंधी में भी भजन सुनाऊंगा आपको, आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं। पिता तू ही, माता तू ही, पिता तू ही, माता तू ही, भाई सखा सुजान, मालिक स्वामी ये
सा किसी भाव से कोई भी दारु प्रेम दे जोड़ एक तेरा ही हो रहे दुनिया से मुख तन तेरा तेरा तन तेरा एक मन तेरा तन तेरा और मन तेरा तेरा पिंड और प्राण सब तेरा एक तू मेरा सब तेरा एक तू मेरा यही ज्ञान और ज्ञान सब तेरा एक तू मेरा यही ज्ञान और ज्ञान मैं चाहूंगा मैं आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा हूं बस इस माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं और चाहूंगा आप सब मेरा साथ दें ये गुरबाणी का शब्द है हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाला हे गोविंद हे प्राणनाथ अनाथ सखे अनाथ सखे अनाथ सखे दीन दर्द निवारण हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयालु ये समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण
मोह माया तुम माता पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा से सुख घने रे कोई न जाने तुमरा बरकत ऊँचे से ऊँचा भगवान अंध धूप महाभय अंध धूप अंध धूप महाभय अर्ध को महाभय अंध को महाभयान नानक पार उतर प्राण अनाथ सखे प्राण अनाथ सखे अनाथ सखे देव दर्द में मुझे उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत भजन है जो नाम स्मरण पे है। Oh,
आज दादा को याद करते हैं, क्यों नहीं उसे ऐसे गाए, दादा श्याम 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 एक राम नाम के जप से हर कष्ट मिटे जीवन का, एक राम नाम के जप से पावन हो मन जन जन का, जो राम नाम विसरते जो राम नाम विसरते वो पग पग ठोकर खाते, जो रहते दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम बोलो दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम दादा श्याम बोलो दादा सिया बोलो एक राम नाम से बढ़ के कुछ और नहीं है साचा, कबीरा ने यही बताया तुलसी ने भी यही वाचा, जो राम मुख लाती जो राम मुख लाते जो राम मुख लाते वो धन धन हो जाते, जो राम लाते वो पद्म हमारे बहुत सारे दादा के जो फॉलोअर्स हैं, जो भक्तगण हैं, आज उनको बहुत याद करते होंगे और यही प्रार्थना करते होंगे कि भाई दादा अगर हमारे समक्ष होते तो हमें आशीर्वाद देते। तो एक ये भजन है सिंधी में जो दादा को बहुत पसंद था, Thank you.
सखी सब साई सब फजुल करो अभी सखी सब साई सब बात दर तुझे ते कई सुवाली दर तुझे तो मोटो को न खाली दर तुझे ते कई सुवाली दर तुझे तो मोटो को न खाली अब है कदमारी सखी सब बाजी दर्द मुझे जो दारू तुई बेदर्जी माया सोई दर्द मुझे जो दारू तुई बेदर जी मोई आज सबोई पुज आज सबोई पुज सखी सब सखी सब साई कुतुब शाह साहब जो कलाम है कर मुखुतब ते कर तू खालिक तो बिना है बियो को मालिक कर मुखुतब ते कर तू खालिक तो बिना है बियो को मालिक दुखड़ा कटी अच्छी पाई दुखड़ा कटी अच्छी पाई सखी सब मेहर कयो अभी फजल करो हिकिड़ो ॾाढो सुठो कलाम आहे हीअ असांजे दादा साधू वासवाणी साहब जो लिखियलु आहे ऐं हिन जी तर्ज़
मुझा पिताश्री मुझा फादर संतदास वासवानी साहब गाइंदा हा मां बुधी बुधी करे वे सुर कनन ते पिया तो मुखे याद थी वो ये कलाम। ये जो कलाम है हमारी हिंदी ऑडियंस भी बहुत है। ये दादा साधु वासवानी साहब जो दादा जशन वासवानी साहब के गुरु भी हैं और बहुत बड़े संत रहे, ये उनका लिखा हुआ ये कलाम है। लुत्फ सपर लंखाए जुरा ओम जार ओम लुत्फ सपर लंखाए जुरा ओम बेरी मुहिदी ओ माझजीन्या ओ बेरी मुहिदी बेरी मुहिदी ओ माझजीन्या ओ मेरी प्रेमी माजनी ना क्यों लहरू ओ तेज लगन थियो तिखियूं लहरू तेज लगन थियूं पूर
अब जाते जाते दो पंक्तियां, एक प्रार्थना स्वरूप भजन है मेरा जी जी दीपक जी, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए जी 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 प्लीज प्लीज। किशोरी जी का, हमारे प्रिंसिपल साहब का और पूरे सिंधी सर्कल का और कॉलेज के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं और जो ट्रस्टीज हैं, उनका बड़ा आभार है। प्रेसिडेंट साहब भी आपको सुन रहे हैं, हमारे किशोर मनसोखानी सर भी आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से एकदम शांत चित्र से सुन रहे हैं आपको। जी जी, बस एक दो लाइनें, मेरा एक गाया हुआ बड़ा मशहूर प्रार्थना स्वरूप भजन है जो इस वक्त की जरूरत है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिएगा। जी जी, मैं चाहूंगा आप सभी मेरे साथ गाएं, गुनगुनाएं, ताकि हम इस मुश्किल काल से बाहर निकल पाएं। और मुझे पूरा यकीन है, जैसे अचानक ये कोरोना का संक्रमण हुआ, उसी चमत्कार से बहुत जल्दी इसका निवारण भी होगा। हम दादाजी से यही गुजारिश करेंगे, हमारे पर ये कृपा करें, हमारे भगवान जी हमारे पर कृपा करें और इस संक्रमण से दूर हो। इतनी शक्ति हमें मन का विश्वास कमजोर, इतनी शक्ति हमें मन का विश्वास कमजोर, हम चले भूल कर कोई इतने मन विश्वास कम हो दूर अज्ञान के होने हर बुराई जितनी भी दे जिंदगी दे हम चले इतनी शक्ति
घनश्याम वासवानी जी, जितना ये शीर्षक है हमारे कार्यक्रम का रूह रुहान, सचमुच मतलब रूह को जो एक मिलन होता है, रुहान मतलब मिलनो, पाण में गालियों बोलियों एड़ियों करनियों, इस तरह से आपस में हमें आज आपने आत्मिक संतुष्टि दी है भजन संध्या से। आपका बिल्कुल हम हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेज बोर्ड की तरफ से, एम एम कॉलेज की ओर से, पूचालिया मंदिर हमारा झूलेलाल मंदिर वाशी उनकी ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद भी करते हैं। और मैं जब आपने बात कही कि हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे, तो दादाजी ने भी, दादा जशन वासवानी जी ने भी यही बातें कही है कि हमें अपने जीवन में स्नेह प्रेम, तो मुझे स्नेह प्रेम और अपने जीवन का जो ये मंत्र है, इस विषय पर आपका एक सिंधी गीत जिसकी दो पंक्तियां मुझे याद रही, वो मैं ही गुनगुनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत बहुत दिल हो रही है कि मैं वो गुनगुनाऊं। मुत पीतो प्रेम जो प्यालो, मुत पीती प्रेम जी पिका, दिल तुहे जी मुहिंजी हिका, दाढ़ी असां भी दाढ़ी असां बिनी में सिखा, क्या बात क्या बात, दाढ़ी असां बिनी में सिखा, दाढ़ी असां बिनी में सिखा, दिल तुझी, क्या बात है क्या बात है, यही यही संदेश है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यही संदेश है आज के इस विशेष कार्यक्रम का, रूह रुहान का, कि हमारे दिल जो है वो एक ही है, बस अपने दिल में एक दूसरे के प्रति स्नेह जो है वो उत्पन्न करना है। और ये जो द मूवमेंट ऑफ काम की जो बात हम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ शोर हो रहा है उनको शांत करवाना है, उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ काम। मूवमेंट ऑफ काम कहते हैं हम अपने जीवन को कैसे संतुष्टि भरे मन के साथ जी सकते, इसी आत्मा की संतुष्टि को, मन की शांति को। दादाजी ने एक एक कोटेशन कही है कि लाइफ इज टू मास्टर हाउ टू रिमेन काम, लाइफ इज टू मास्टर हाउ टू रिमेन काम। जिंदगी का मूल मंत्र यही है कि हम सीखें कि हम अपने मन को शांत, अपने जीवन को कैसे सकुशल रूप से चला सकते हैं। एक हमारे लेखक है, ड्रामा राइटर है एम कमल, उन्होंने कहा है कि जिंदगी में मंजिलें कुछ नहीं होती है, बस राहें हैं, राहें चलते जाना है। एक मंजिल आती है तो फिर दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। जिंदगी में संघर्ष महत्वाकांक्षाएं बहुत है, ऐसे में दादा जशन वासवानी जी ने हमें मंत्र दिया है कि महत्वाकांक्षाओं के बीच, जिंदगी के संघर्ष के बीच हमें अपने मन को, चित्त को कैसे शांत रखना, जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास। आज देखिए 2 अगस्त, आज मित्रता दिवस भी है भारतवर्ष में, अगस्त का जो फर्स्ट संडे है वो फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ, जैसे मन की बात कही घनश्याम वासवानी जी ने, तो हमारा सबसे अच्छा सबसे बड़ा मित्र हमारा मन ही है। हम अपने मन को अगर अच्छे से चलाते हैं और जीने का सलीका हम सीख जाते हैं, तो फिर क्या बात है। वहाँ हम झूलेलाल चैरिटेबल ट्रस्ट वाशी में हमारे सुभाष गंगा जी सुन रहे हैं या किशोर किशोरी सर सुन रहे हैं, 6 बजे से हम लाइव होंगे बैराना साहब की ओर, लेकिन उससे पहले हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेज बोर्ड के सारे ट्रस्टीज हमारे साथ, हमारे सामने मुखातिब होंगे इस लाइव स्ट्रीम शो में। हमारे किशु मनसुखानी सर जो है वो शुरू से प्रेसिडेंट सर, सारे ट्रस्टी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं बैटन दूंगा मेघा मैडम को, वो आगे की कार्यवाही चलाएंगी और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। मेघा मैडम प्लीज। थैंक्स सर, थैंक्स दीपक सर, आज तो आपने बहुत कमाल की बात कही है। ये रूह रियान, आत्मा को और अपने मन को कैसे शांत रखना है,
वो ही जीवन है, जीवन के संघर्ष है, और जीवन में सब कुछ होते हुए मन को कैसे शांत रखना है। आज तो आपने ये जो गुरु मंत्र दिया है और जो भजन प्रक्रिया हुई उससे तो मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। सर आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हुए घनश्याम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दीपक सर आपको तो आपने तो ऐसा गुरु मंत्र दे दिया आज के क्या बोला जाए। थैंक यू। आज अब फॉर्मल प्रक्रिया को आगे शुरू करते हुए आई वुड लाइक टू मेक अ यू नो इंट्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट विद द ओपनिंग रिमार्क दैट एज सर सेड वी ऑल आर मेड फॉर गुडनेस, वी ऑल आर मेड फॉर लव, वी ऑल आर मेड फॉर फ्रेंडलीनेस, वी ऑल आर मेड फॉर टुगेदरनेस, वी ऑल आर मेड फॉर ऑल ब्यूटिफुल थिंग्स दैट यू एंड आई नो इन द वर्ल्ड। We are made to tell the world there is no outsider in the world. All are welcome, poor, rich, black, white, male, female, all in all. We belong to human family. We belong to God's family. We belong to mankind, which has power of dream, calm at heart and peace in mind. Let's join today our college today. That our college means Srimati MMK College of Commerce and Economics in this exploration of life. So, sir, as you said, with the prayer of calm, we would like to start our show first and then we observe 1 minute silence. So, let's for the prayer of calm. So bless me, Lord, that I may learn to return good for evil, a blessing for a blow. May my heart be so filled with love that there is no empty nook or corner in it for resentment against anyone. Thou art seated in the hearts of all. Therefore, let me meet everyone with respect and treat everyone with love. Let me not remember any wrong that has been done to me, any hurt that has been inflicted on me. I forgive all. I love all. I forgive all. I love all. I forgive all. I love all. Sadhu Aswani said, I have but one tongue. If I had a million tongues, with every one of those million tongues, I would still utter the one word, give, 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 give. Observe 1 minute of silence. Thanks, everybody. Now I would like to call our principal, Dr. C.A. Kishore Peshwari, for the opening remarks of the program.
दादा श्याम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आई वुड नॉट लाइक टू गो अ वेरी लॉन्ग स्पीच, बट आई लाइक टू से टू वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विच दादा वासवानी गेव. एंड टुडे द बोर्ड, द हैदराबाद नेशनल बोर्ड रिमेंबर्स हिम ऑन हिज 102nd बर्थडे. वन थिंग ही सेड वाज एजुकेशन should be the birthright of every citizen. And today, if education is not there, it will bring chaos. And the second thing which he said was that bhale thodi galao par sindhi galao. And today the education policy, the national education policy which has come, says that mother tongue will be the first language which should be taught in schools. It's a great honor that my dear friend of education ministry of national council of promotion of sindhi language, Dr. Pratap Pinjani, is here right from the beginning to be with us on this auspicious day. Thank you, Dr. Sir, for being with us. And of course, I said I've been always blessed and forgiven, two important words which Dadaji said, blessed and forgiven by my honorable president, sir, Dr. Keshu Mansukhani, sir. Sir, as usual, Dada Sham to you. Of course, the dream university which we thought about has been cherished in this year, has been crystallized in this year. And the dynamic provost, the brand image, Dr. C. Niranjan Hiranandani, sir, is also there. Of course, I cannot forget the most legal voice of the nation, Anil Haris, sir, the immediate past president, who is also here to forgive and bless me. And of course, our lady ambassador, Maya Shani, madam, the trustee of the board, is also here. Friends, besides this galaxy, I would have not visualized a very beautiful star bhajan samrat of our community, Ghanshyam Vaswani ji, who has been here to bless us from right at 5 o'clock. And of course, the anchor media person, Deepak Vatwani ji. Of course, I would be failing in my duty if I'm not asking forgiveness and blessedness from my fellow colleagues, the principals of colleges, KC College, KC Law College, HR College, who are all present, BTTC, who are present to grace this occasion. And of course, the vice principals, Mani Iyer, Megha Somani, Roma Wagh, and my IQAC chief, Chippy Madam, and all my colleagues who have been here on this very auspicious day, the 102nd birthday of Dada J.P. Vaswani. Friends, I remember still that when our board did a celebration at, if I'm not wrong, at NSCI, National Sports Council of India, I was there also. It was a very great day. And today, every moment which is celebrated in Jashan, his name was Jashan. Jashan Vaswani ji ke jo mauke pe hum log jashan manate hain, iske baad Bairana sahab hoga, to ek anokhi hoti cheez. With that words, I would like to ask if I've done any forgiveness for the last n number of years. Forgive me and bless me. Thank you, Megha Madam. Thanks, Peshwari sir. Now, I would like to call Sangeeta ma'am for the further proceedings. Good evening, everyone. I feel great pleasure in introducing Maya Shani ma'am today evening. Maya Shani, the chairperson of the Shahani Group, is also the chairperson of Thadumal Shahani Center for Management, a business school which imparts global quality management education through its affiliation with UK universities. She is the chairperson of the Thadumal Shahani Center for Media and Communications. As the chairperson of the Sage Foundation, the CSR arm of the Shahani Group of Institutes, she educates and empowers the under-resourced and works closely with the Clinton Global Initiative with a commitment to build a model village which would be replicated globally. Ms. Shahani is the trustee of the Thadumal Shahani Trust, founded in 1952 by her late father-in-law, Dr. Kishan Chand Shahani,
one of the founding members of the HSNC board. Ms. Shani is the trustee of the HSNC board, running 27 prime educational institutes in Mumbai with over 50,000 students graduating every year. The Thadumal Shani Engineering College, named after the Shani family, is a premier institute of the board. A recipient of several awards, such as the Glory of India, Gold Medalist Award, Global Peace Award, the Jewel of India Award, the Jamnalal Bajaj Award, the Women Achievers Award, Bharat Jyoti Puraskar, the Entrepreneur Business School Award, and the Clinton Global Initiative Certificate. Maya Ma'am is a comfortable meeting global leaders as she's working in villages and slums. With ethical excellence as a credo, she fulfills her duties with compassion, love, and commitment. Thank you. I would like to call Maya Ma'am to address us. Thank you, Dr. Fishori, for inviting me here today. It is such a joy to be in the midst of this enlightened gathering, celebrating Dada's 102nd birthday. I would like to offer my tributes to our revered spiritual leader, Dada Jeshan Vaswani. His achievements and contributions to society are a guiding light for all of us. He was a universally acclaimed humanitarian, philosopher, educator, writer, and messenger of peace. Leaders live by choice, not by accident. Dada was a brilliant scholar, receiving many double and triple promotions, but he gave a spectacular career in academics to follow in the footsteps of his illustrious uncle and guru, Sadhu T.L. Vaswani. In 1966, when Sadhu Vaswani shared his physical body, he passed on the baton to Dada Vaswani. Dada was a perfect disciple. He was a soul of compassion, a picture of devotion, a 21st century educationist, an apostle of peace, and a lover of nature. He was humility personified. He was a mystic among men, and he had a great sense of humor. Dada is best remembered for promoting vegetarianism and animal rights. Animal lovers revere and admire him as an apostle of non-violence who used to strive tirelessly for the cause of reverence for all life. His humanitarian spirit transcends caste, creed, color, and religion. He was truly a secular leader. He taught how to confront problems and challenges and gave a vision of a world without wars. According to him, the root cause of wars is irreverence towards life. His fiery, thought-provoking speeches have aroused interest in Indian religion and culture. His sermons and lifestyle are the best example of preach what you practice. Sadhu Vaswani centers all over the world have been putting to practice these ideals of love and service through their activities, which include feeding the poor and needy, distributing essential grocery items to the needy families and villages, giving educational needs to school kids, organizing free cataract operations, medical camps, feeding birds, fish, animals, and other living beings. Sadhu Vaswani always used to say, if you want to be happy, make others happy. He was an internationally acclaimed thinker and a brilliant orator. Dada has addressed so many audiences worldwide. He even received the Uthan Peace Award in April 1998 for his dedicated service to the cause of world peace. Dada, as you all know, initiated the Moment of Calm, which is what we are observing today. It's a global peace initiative. World over, people observe 2 minutes of silence, as we all did, at 2 p.m. on 2nd August, his birthday, and choose to forgive one and all. Forgiveness is so important for our own good. Spiritual leaders like the Dalai Lama have spread the initiative of Dada's birthday, and it's celebrated as World Forgiveness Day. Although Dada is no more with us, he lives on. And there's no better reminder than the over 150 books he has written. In them,
He has given us treasure troves of advice, insight, and inspiration for daily living. All we have to do is open them and actually read and reflect. His influence remains, and his teachings continue to inspire us all through our beloved Krishna Kumari, who was personally mentored by Dada, our former principal and secretary Manju Nichani, and so many others, and our president, Mr. Kishu Mansukhani, our provost and trustee, Dr. Niranjan Hiranandani, our trustee, Anil Harish, and me. We are all ardent followers of Dada, along with so many devotees of our HSNC University and board family. I would like to offer my grateful thanks to Ghanshyam Vaswani, who has taken us to a different level of bliss through his soulful renderings. As we all know, music binds people. And so, like the Olympic torch, the Sadhu Vaswani mission with its countless volunteers and devotees will pass the light of enlightenment from generation to generation till eternity. Thank you. Now I would like to call Dr. Naresh Matai for introduction of Dr. C.A. Hiranandan. Respected dignitaries and dear friends, I am Dr. Naresh Matai from Srimati MNK College, and I take immense pride and I am indeed privileged to introduce a living legend to you, friends. Before I read a brief write-up on CA Dr. Niranjan Hiranandani, a small quote by Ricky Pierce, and I quote, "Legends are not born, they are created." A man of the stature of Dr. C.A. Niranjan Hiranandani, sir, cannot be described in a few minutes or a few pages, or even a book is not sufficient. But I will only present a small glimpse of his vast achievements. Dr. Hiranandani, sir's schooling took place in the prestigious South Mumbai School, Campion High School. Sir had secured second rank in the entire Bombay University in BCom honors. Sir is a qualified chartered accountant, and sir had completed his PhD in the topic Housing Revolution in India, Challenges and Prospects Ahead. A builder extraordinaire. He has changed the skyline of Mumbai city by his landmark project, Hiranandani Gardens. Today, the Hiranandani Group is known for high-tech, high-quality construction, precision engineering, innovation, technology, and of course, timely delivery of projects. The group has diversified into education, healthcare, hospitality, infrastructure, entertainment, organized retail, and there are several projects in Thane, Panvel, Alibag, Khandala, Chennai, Ahmedabad, Pune, among others. Sir is the national president for National Real Estate Development Council under the Ministry of Housing. Sir is also president of ASSOCHAM, Associated Chamber of Commerce Industry, and sir is the director of National Skill Development, NSDC, member of Central Governing Council of Export Promotion, EOUs and SEZs under the Ministry of Commerce, Government of India. Sir has drafted the state policy for slum rehabilitation in Mumbai city for over 6 million slum inhabitants. Sir is a trustee in the Nathwara Township and advisor to the Government of India on housing projects for more than a decade now. And sir has been involved in a lot of philanthropic work, his association with the Nathwara Temple Trust, his association with our own Sadhu Vaswani Mission, Brahma Kumari's Foundation, to name a few. One aspect of sir's personality, which we have all noticed, but it is not there in the bio data, is that sir is a very warm, friendly, and approachable person. He knows us, several of us, his employees, by their names, and he genuinely cares for our well-being. Today, on this auspicious day of Dada Vaswani's birthday and Forgiveness Day, and also Friendship Day,
ladies and gentlemen, join me in welcoming our friend, philosopher and guide. He is a real estate tycoon, our respected provost of the HSNC University, CA Dr. Niranjan Hiranandani. Over to you, Dr. Hiranandani, sir. Please enlighten us with your words. Dada Shyam, it's a great privilege to be here today on the 102nd birthday of Dada J.P. Vaswani. The major thing which you forgot to mention was that I'm an ardent devotee of Dada J.P. Vaswani. And the kind of love and affection that we got from him is unprecedented. His smile, his forgiveness, his giving, it is impossible to fathom. I learned so much from him. He gave so much love, so much affection. And as we said today, the whole Arden position is about forgiveness. And that is the most important part of the whole thing that we have learned. Today, forgiveness. What about the giving that he did? He continues to give that love, that blessing, and that affection to us. And the mission has given food to thousands and thousands of people. And so the work with Dada started continues to go on and on. The second thing which I want to share with you, my friends, is the humility of Dadaji. Dadaji always, always, never imposed his position. He gave love and affection and held each and every one of his devotees close to his heart. Today, at such a position that he was, a person would become arrogant. But Dada was the humblest soul that I have ever met in my entire life. His love and affection, his humility crossed all boundaries. And at times he would say that how I would like to touch your feet. He embarrassed us completely with the kind of humility. The third thing which I want to share today is the hard work Dada put in. At the age of 99, 100, he was willing to travel all over the world. He was not keeping well. He had difficulties in walking, in looking after himself. He had lots of difficulties, but he thought always about sharing his knowledge, sharing his love, sharing his affection, and was willing to give pain to himself in order to reach all corners of the globe. I always wondered how he did all this hard work. And this is something which we have continued to love and remember about him. Today, I have to thank our principal, Kishore Kishori, for having organized this function, Ghanshyam Vaswani for doing what he has done today for the program, Deepak Vatwani for the wonderful bhajans that he gave us, Dr. Pratap Pinchani, welcome over here on this function, my president, Kishu Mansukhani, Anil Harish, Maya Shahani, Hema Bagla, and all the other people of the college who have organized this program. I'm really grateful to all, each and every one of you. And of course, all the people who have been here today to learn from beloved Dadaji and to enjoy the fact of his 102nd birthday today. Let us remember him with all the love and affection and learn and be able to imbibe all the wonderful teachings that he has given to us. Thank you very much and a wonderful day to each and every one of you. Keep safe, keep happy, look after the elders in your family, be careful and take care of each and every one of them. And I'm sure that you will, with the blessing of beloved Dadaji, come out perfectly fine beyond this COVID problems and also be successful in all your lives. Thank you very much, Dada Shah. Thanks, Hiranandani, sir, for telling us tiny to tiniest detail about Dadaji, his blessings, his teaching, his love. Thanks a lot, sir. Now I would like to call Kajal ma'am for the further proceedings. Thank you. Ma swagati kaya, Mananiya President, Secretary, Trustees of HSNC Board, Principals, Vice Principals,
प्रोफेसर्स चीफ गेस्ट एंड मेंबर्स ऑफ प्रोग्राम मां उम्मीद थी क्या तो तमाम सब सब परिवार समेत कुशल मंगल होंदा इट इज अ ग्रेट हॉनर फॉर मी टू इंट्रोड्यूस एंड वेलकम एडवोकेट श्री अनिल हरीश टू दिस इवनिंग दिस मैन मेयरली रिक्वायर्स एनी इंट्रोडक्शन दो ही इज वेल नोन फॉर हिज वर्क इन हिज फील्ड ही इज अ ग्रेट पार्टनर ऑफ लॉ फर्म डीएम हरीश एंड कंपनी which was founded by his father, late Shri D.M. Harish. Shri Harish's practice includes many diverse areas of law, including property, exchange control, foreign investments, trust, wills, and Indian and international taxation. Shri Harish authorized several articles which have been published in the Times of India, Hindustan Times, and several professional journals. He is the director of several prestigious public limited companies in India. He is involved with several educational institutions and charitable trusts and has been the president of Hyderabad Sindh National Collegiate Board, which runs more than 25 educational institutions and has about 45,000 students. We are so glad to have him in our HNC board from so many years. We are proud to have him with us on this auspicious evening. Thank you. Thanks, Tasha. I would like to call now Anil Harish sir to take over. Thank you. Ladies and gentlemen, Dada Jashan Vaswani was the patron saint of the HSNC board. We went to him for guidance and blessings and he was kind enough always to give us those. He addressed us and our students on many occasions. At this time, when the HSNC board has taken on a new dimension, that of a university, we thank him for his blessings and guidance through the years and would have sought his blessings and would have gone to him at this time. He would have surely been very happy that we have been able to achieve a new university, because Dada himself was a great institution builder. The mission that he has built, the schools and the hospitals and the colleges have done such amazing work and reached out to many thousands and lakhs of people. Dada was such a wonderful person with transparent simplicity and goodness and yet intellectualism and great learning. But he also had an impish sense of humor and a dazzling smile. On one occasion, Dada said, and these words I always remember, he said about my late father-in-law, Mr. Nari Gursani, that some do their duty and a little more. But Dada Jashan did his duty and much more. He was always accessible and gave of his saintly thoughts and love for all. Kumari Krishna was also so helpful. I spoke to her a couple of years ago because we wanted Dada to come and address an organization. Dada immediately agreed and they came and Dada spoke as well as always with brilliance and love at the age of 98. I'm very glad that MMK College and Principal Kishore Pishori and so many others have organized this program. We remember Dada very much and miss him and are so grateful to have had his blessings and to have had the opportunity of being with him and learning from him over the years. I wish you all the best. Thanks, Anil sir. You clearly mentioned too, he is not there, but in his invisible blessings to HSNC University, hard time of COVID is always there with us. Thanks a lot, sir. Now I would like to call Mani Iyer sir for the introduction of Kishu sir. Thank you, Vika madam. Respected dignitaries, it is a proud privilege and an honor to introduce Honorable President of HSNC Board, Mr. Kishu Mansukhani. I would like to take a little bit longer time because the President sirs and his achievements are so high and so important that we cannot keep them short. Mr. Mansukhani has completed his graduate in mechanical engineering from USA.
and he was associated with Tata Engineering Company in a senior capacity as in charge of international marketing of Tata vehicles. During his 30 years tenure with Tata Group, he traveled nearly 100 countries and established a dealer network and branch offices for many of the Tata Group companies. He created a close working relationship with many foreign distinguished personalities, including president and prime ministers. To name a few are Uganda, Tanzania, Mauritius, Mozambique, Egypt, Iraq, and in United States of America with President Jimmy Carter. For his distinguished work in recognition of establishing Tata Mercedes-Benz products, he was given a citation by German Chamber of Commerce. He is also recipient of award from presidents of Uganda and Seychelles. During his tenure with Tata, he was posted 9 years in New York, USA, as the CEO of VIL, an international company under Tata Group, New York. He finalized two joint ventures for the Tata Group and substantially helped in increasing products of Tata Group of companies in the United States of America. In USA, he was very active in social, cultural activities, societies, particularly in Indian community. He was one of the founder members for the establishment of New York Asian American Lions Club under International Association of Lions Club. Besides founder member, he also served 3 terms president and was appointed as zone chairman of New York and Bermuda Island chapter. In recognition of his distinguished work for sight for sightless program, he was honored with award from district governor of International Lions Club Association. After serving Tata Group for more than 30 years, he started retail marketing and consulting business in Pune, which is currently managed by his son. His family has a very long association with Hyderabad National College Board right from its inception and has contributed substantially to the HSNC board. There is a college in Ulasnagar, Srimati Chandibai Himmatmal Mansukhani College, which is named after his grandmother, is considered to be the largest college in the University of Mumbai. Another college, MIM, is named after his father and uncle, which is the only postgraduate college under HSNC board. His family has also contributed for the establishment of various libraries, auditoriums, and primary and secondary schools of the HSNC board. To mark a very important chapter in the Kishu Mansukhani sir's history as president, we were able to start the HSNC University successfully this year. He is also associated with Sadhu Vaswani Mission and have facilitated in many ways to establish KKI Institute, Pune, which does research in the field and have conducted more than 2 lakh operations free of cost in Maharashtra and surrounding areas. He is also founder member and 3 times president of International Sindhu Chamber of Commerce in Pune, which was established with the blessings of Dada Vaswani. The chamber connects business persons from all over the world. The list is endless. It goes on and on. We are very honored. We are very privileged that we have such a great personality amongst us. I request Honorable President Kishu Mansukhani sir to address the gathering. Thank you. Thank you for the exaggerated introduction. Dada Vaswani said, speak little, but speak in Sindhi. So, maan Sindhi mein to galaya. Sabni ke मेरे प्यार मोहब्बत सा आदर तो कया प्यारे दादा जे जशन 102 सारे जो जन्म दे दी दादा जे अखरन में ये माचवा भले आया जी आया आज असी इन जे महा आदमी महा सेंट के ऑनर कर रहा हूं मुझे करण गालन वरन मुझे नाले घणो ही बतायो आ खाली तो चोंद सर वरले सेंचुरीज एरा मानो ही दे मां
साधु वासवाणी मिशन जो नातो असांजे एशियन से भी बहुत शुरुआत का है कि खबर ना होंगी और जो नातो हैदराबाद सिंध में शुरू थियो जदीद से आया हुआसी दादा वासवाणी जो चाचो टीएल वासवाणी उनके असके फादर दिनों एंड अपॉइंट किया गार्डन ट्रस्टी उन्होंने कबूल को पर हमेशा उन्हें सारा कहसी उन्हें रस्तो जोयो सी जी दादा आयो दादा वासवाणी घर ही कुछ असमें बुधा के वासवाणी के आ इंस्टिट्यूट के इंस्टिट्यूट करे डोनेटेड बाय अस बाय अवर फैमिली दादा वासवाणी के जितो सहा कजे ओतरी कम आए मुझो रस्तो उन्हें साम नंदे होंदे खाए साधुवाणी वासवाणी मिशन में जी नो छो नो बार हो कराची में जो पी वी लगो मुख्य जी इतने आयासी करीब मुझो उन कनेक्शन शुरू थो 1979 में रेगुलरली अस मिलता को उनमें कॉलेज की गाल को होंगी वो गाल थी तो मुझे चवण तो चाहें जो रिपीट कह घर वही अनफॉर्चुनेटली दैट इज इन इंग्लिश वी आर हेयर नॉट ओनली टू इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड बट ऑल्सो इंट्रोड्यूस इट बाय अवर स्पिरिट ऑफ सर्विस deed and wisdom that he shows you how he feels and whatever you earn you must give back so dada vaswani ke etro gach gano chawa wo ghat hai so I can only say dada vaswani ke sange aap se jana diye che chaliye sa pehli zameen par thi आंद्रा में जी उन फंक्शन शुरू थो तरी असा प्रेजिडेंट ट्रस्टी तरी को हुआ उत ट्रस्टी हूँ हुआ तरी जी खोज थी तो अस टीएल वासवाणी के अच प्रार्थना करता उन्हें कोई अची को सको अची धरती जो टुकड़ो पुणे में खी वी तो नानी साहब खी वो आशीष वन लो शुरुआत जी दादा वासवाणी टीम दादा वासवाणी के चाचे सेल वासवाणी तो सभी जो गुरु हो सो एसोसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग का है चवंस को चव सिंधी में एतरो ही गो माफ कजो दादा शाहबर दादा हमेशा असि हयात में रो खास कर फैमिली में एतो चवंस दादा की माँ असाई बिल्डिंग में रोंदी हुई मुझे माँ से रोज वी हुई दादा भी निकलो सेम बिल्डिंग में हाँ क्रवास में वॉटर होते होते पुणे में दादा आई नो इन फ्रॉम बचपन वेन ही वॉज अ यंग मैन सो हिज हैंड इज ऑलवेज बी ऑन अस एंड वी विल बी ऑलवेज हिज फॉलोवर जय श्री राम गॉड ब्लेस सॉरी आई सिंधी वॉज इन फ्लुएंट ऑल्दो आई नो सिंधी वेरी वेल बट फ्लुएंसी इज नॉट देयर दादा शाह Thanks a lot, Kishu sir. As you rightly said, today is a Thanksgiving day.
today is the day because somebody had said gratitude can transform common day into Thanksgiving day, turn routine job into joy, change ordinary opportunity into blessings. And today was the day to seek his blessings on his 102nd birthday. What a nice narrations you made about Dadaji, sir. We are blessed even the day that we are enjoying today together. In the hustle bustle of life, we ever forgot to give thanks to the right person who had changed and transformed our life. Today, with your summons, I am so pleased that today we learned that his blessings, his teachings, and how much it matters to our life. Thanks a lot, Kishu sir. Thanks a lot from MMK platform. Many, many thanks to you. I would like to call now Beena ma'am for the introduction of our Pinchani sir. Thank you, Mega madam. Yes, indeed, it is an auspicious day. And good evening to begin with the luminaries, respected president, our most inspiring trustees, provost, honorable secretary, our esteemed chief guest for the evening, our talented guests, our respected principals, honorable vice principals, cherished faculty of MMK College, and all my dear friends. On this startlingly calm and beautiful evening, I extend a very warm welcome to all who have gathered virtually for Dada J.P. Vaswani's 102nd birth celebrations. I'm profusely overjoyed to take the opportunity to introduce our chief guest for the day. And he's none other than Mr. Pratap Pinchani. And I'm sure all these introductions could fall short of all the achievements that he has made up to now in life. And this introduction is merely a sketch to picture the large frame of his works and contributions to the society. To begin with, Mr. Pratap Pinchani, he's the director of NCPSL, HRD Ministry, New Delhi. He has 25 years of teaching experience and has been the head of sociology department in Rajasthan. 9 PhDs are awarded under his guidance, and more than 50 students have done their MPhil dissertations under his guidance. He has more than 20 books to his credit, where he's been the author, translator, and has edited these works as well. He has presented research papers internationally, to name a few, at Yokohama in Japan in the year 2014, at Vienna, Austria in the year 2016, as well as in Toronto, Canada, 2018. To mention, our guest treasures the Governor's Medal and has also bagged the Vice Chancellor's Medal for Academic Excellence. And sir, your Insuli thesis on sociological study of sacred complex, Teethraj Pushkar, renders us curious and interested. These are the few things I could enlist, and there are many more. And now I request our distinguished chief guest, Mr. Pratap Pinchani, to address the gathering and to give his precious input to our audience. Thank you very much. Welcome, sir. The screen is yours. Namaskar, Jai Bharat. सबसे पहले मैं जो है एमएमके कॉलेज हैदराबाद से नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा. आई एम वेरी थैंकफुल दे हैव इनवाइटेड मी एज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही सेक्रेट दिन है आज का जिसपे मुझे ये इनवाइट किया गया है. दादाजी का आज 102nd बर्थडे है और एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि पूरी सोसाइटी के लिए एक मोटिवेशन हो सकती है. मुझे पर्सनली उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है उनके मॉर्निंग में आस्था चैनल्स पे उनके जो लेक्चर्स चलते थे उसको देखने के बाद मुझे लगा कि ही इज़ अ मैन ऑफ द सिंपलिसिटी. बहुत सिंपल थे और उसके बाद केवल फॉर्मुलेस की बात करना और समाज को केवल देने और देने की बात करना, यह बहुत ही एक बहुत बड़े, मैं समझता हूँ कि मेरे सिंधी समाज के लिए ऐसे बहुत कम संत हुए हैं जिनका इतना बड़ा आइडेंटिफिकेशन समाज के अंदर है, हिंदू सोसाइटी के अंदर और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें.
तो बहुत ही मेरे जो जितने भी स्पीकर्स थे, मैडम शाहानी, किशोर पेशोरी जी, ऑनरेबल हमारे निरंजन हीरानंदानी जी, अनिल हरीश जी, उन्होंने काफ़ी किशु बंसुगानी जो अभी प्रेजेंट में आपके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया। और जो प्रोग्राम की स्टार्ट हुआ और जो मेन थीम था रू रयान, जो है हम किस तरीके से अपनी आत्मा के साथ डिस्कोर्स करते हैं और डिस्कोर्स करने के बाद हम अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन को जानने का करते हैं जो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहला ही आपका जो सेशन स्टार्ट हुआ वो म्यूजिक के साथ हुआ। और म्यूजिक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मीन हो सकता है जिसके थ्रू आप स्पिरिचुअलिटी को टच कर सकते हो आप, क्योंकि आप उस डेडिकेशन के साथ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। और एक जो सोसाइटी है, जो जो जिस संसार में आप रहते हो, उससे अपने आप को आइसोलेटेड कर पाते हो और उस परमात्मा परमेश्वर से मिलने का प्रयास करते हो। तो बहुत ही घनश्याम वासवानी जी हमारे बहुत ही अच्छे एक सिंगर हैं समाज के, और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था तो बहुत ही एक सच्चे और निहायत ही अच्छे इंसान हैं, और वो उनकी आवाज़ से अपने आप झलकता है ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली। आपका जो फेस होता है वो फेस आपका ऑटोमेटिकली इस बात को शो करता है कि आप किस नेचर के इंसान हो। और जहाँ तक मैं उनके फेस रीडिंग कर पाया, मुझे लगा कि वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है। उनसे भी व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलने का जो है मौका नहीं मिल पाया है। जहाँ तक हैदराबाद नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड की बात है, मुझे लगता है कि बहुत ही एक डेडिकेटेड स्टाफ है आप लोगों का, और बहुत अच्छी तरीके से आज का दिन जो जहाँ जब मैं ये मानता हूँ कि एक अकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हम अपनी संस्कृति को, हमारे ट्रेडिशंस को यंग जनरेशन के पास लेके जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि मनसुखानी जी और बेशोरी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और समाज के समक्ष हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको समक्ष ले जाने का प्रयास किया है। साथ में मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा एक चैलेंज था कि किस प्रकार से सिंधी भाषा का विकास किया जाए, मैं कुछ समय से संपर्क में आया हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड का, उनके रिकॉर्ड्स देखे और उनके जो पेपर्स हैं उनको मैंने ऑब्जर्व किया, और मुझे लगा कि एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिंधियत को और सिंधी भाषा के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज में डायरेक्टर होने के नाते मेरा सीधा सीधा संबंध सिंधी भाषा के साथ है, प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। और उसी ऑब्जेक्ट को लेते हुए ही शायद सर्विसेज में मैं आया था, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि इस बात के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से हमारे युवाओं में भारतीय संस्कृति और उनकी परंपराओं के संबंध में उनको जानकारी प्रदान की जाए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे मिनिस्टर साहब को भी होगा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी खुद एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और 40 से अधिक पुस्तकों को लिख चुके हैं, और मात्र एक वर्ष के उनके कार्यकाल के दौरान एक नई शिक्षा नीति जिसका काफी लंबे वर्षों से हमें इंतजार था, और एक नई शिक्षा नीति हमारे समक्ष आई है। और मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं उनका न केवल स्किल डेवलपमेंट का होगा, बल्कि उनके लिए जो जॉब्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो पाएगी। लेकिन साथ में हमारे समाज के समक्ष ये बात आ रही थी कि जितनी भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और मातृभाषाएं हैं, धीरे धीरे वो लुप्त होती जा रही हैं, समाज में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस संबंध में माननीय पूर्व हमारे जो मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, वो भी इस बात में बहुत चिंतित थे, और उन्होंने एक बार अपनी चिंता को इस रूप में भी व्यक्त किया था कि केवल मात्र सिंधी भाषा लुप्त नहीं हो रही है बल्कि मराठी के लिए भी उन्होंने चिंता व्यक्त की। और उन्हीं के और डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब के बिल्कुल उनकी कार्य योजना में उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया,
और एक वर्ष के भीतर मात्र नई शिक्षा नीति हमारे समक्ष लेके आए हैं, तो जो मातृभाषाएं हमारे बच्चों तक जानी चाहिए, अभी मुझे लगता है कि पहले से पांचवी कक्षा तक जो हमारे बच्चे हैं उनको अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि मातृभाषा के माध्यम से हम चीज़ों को, जो बच्चे हैं हमारे, उसमें बहुत अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं और उसके आधार पर उनका चिंतन विकसित हो सकता है। हम विदेशों में भी जाएंगे कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने उनकी मातृभाषाओं में वहाँ शिक्षा प्रदान की है। तो एक बार डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बात का प्रयास किया कि हमारे समक्ष नई शिक्षा नीति लेके आए हैं और हमारे बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। और मुझे लगता है कि हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, मुझे लगता है कि इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से न केवल वो हमारे बच्चों में सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार में सहयोग हमें प्रदान करेंगे बल्कि साथ में स्किल डेवलपमेंट भी होगा। मैं एक बार पुनः इस नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं किशुमन सुखानी जी हैं, हमारे इनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अनिल हरेश जी हैं, निरंजन हीरानंदानी जी हैं, इनके सेक्रेटरी साहब दिनेश पंजवानी जी हैं और मैडम शाया माया शाहनी जी हैं, इनको बहुत साधुवाद दूंगा कि इन्होंने जब हमारा पार्टीशन हुआ था पार्टीशन के बाद ही सिंधी शिक्षा और इसके बाद के लिए प्रचार प्रसार किया है। एक बार बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज कम्प्लीटली हम कृतज्ञ हो गए आपकी बात सुनकर। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, आत्मा के डिस्कोर्स की बात की, स्पिरिचुअलिटी को टच करने की बात की, भारतीय संस्कृति और परंपराओं की बात की। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगी आज जो आपने बात की, भारतीय संस्कृति जीवन की विधि है, संस्कारों से पोषित बहुमूल्य निधि है, ये हमारी निधि है, ये हमारा धन है। सर आज तो आपने कमाल के लिए हमारे कमाल किया और हमारे लिए एक बहुमूल्य भंडार खोल दिया। मन बसंत, तन बसंत, जीवन बसंत हो गया। आज तो प्रताप सर आपकी बात सुन के प्रेम अनंत हो गया। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट, व्हाट अ वंडरफुल। बहुत धन्यवाद। Connecting it with the National Education Policy, salute to you, sir. Many, many hats off, sir. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to call Roma ma'am for vote of thanks. Thank you, Megha. Good evening to all the dignitaries. I'm Mrs. Roma Wagh, Vice Principal, MMK College. It gives me immense pleasure today to propose the vote of thanks for this beautiful evening, moment of calm, Ruh Rehan. MMK has been hosting this program for the past several years. And this year, the COVID pandemic lockdown has not stopped us in our traditions. We have taken up the virtual platform to continue with this traditional program in MMK College. I am thankful to our chief guest, Dr. Pratap Pinjani, Director NCPSL, for his kind words and for the encouragement for Sindhi culture and Sindhi language. We know, sir, the excellent work done by you to give us the Sindhi platform to perform different activities. We at MMK are thankful for spending your valuable time today in our program. I am thankful to the HSNC board and management, our president, sir, Mr. Kishu Mansukhani, who's always been there for us, and we always know we have his support for all the programs in MMK College. We are thankful to our former immediate president, trustee. Our trustee, Maya Shahani ma'am, our trustee Lal Chela Ram,
our secretary HSNC board, Mr. Dinesh Panjwani sir, and of course to mention all our principals who have been with us this evening. Principal Dr. Hemlata Bagla of KC College, Principal Dr. Kavita Lalchandani of KC Law College, Principal Dr. Pooja Ramchandani of HR College, Principal Dr. Bhagwan Balani of BTTC, and all the dignitaries present in the program today. I'm very thankful to you, sir, for being with us and being a pillar of strength so that we can go forward with all our endeavors at MMK College. It is only your support and blessings that we can have all this at MMK College. I am also thankful to Ghanshyam Vaswani ji, the lovely bhajans that we enjoyed today. Of course, the program is not over. Though we are having the vote of thanks, we are going to proceed for the Bairana after this program. So we request you not to leave and attend that program too. I am thankful to Deepak Vadwani, sir, without whose support this program was not possible. He has been there organizing it, getting us to this platform so that today, the 102nd birth anniversary of Dadaji can be celebrated on this virtual platform. I am thankful to Subhash Gogiaji. I'm thankful to Shobha ma'am for being there. I extend my thanks and gratitude to our very own principal, Dr. C.A. Kishore Pishori. He leaves no stone unturned. He is there with his initiative and enthusiasm to support every program of MMK College. Thank you very much, sir. Today, even in this COVID pandemic, we have had our traditional program of 2nd August only possible because of your initiative, sir. Thank you very much. I must thank our vice principals of Degree College, Mani Iyer sir, Mega ma'am, all my colleagues, friends at MMK College, teaching staff and non-teaching staff, without whom this program was not possible. Of course, I must thank Viraj, BIAP team, who's been there for all our programs and for all our webinars. Thank you so much, sir, for this beautiful evening. I hope all of you enjoyed this evening. And now we look forward to the Bairana. I hand over to Deepak Vadwani, sir, for the movement of the future, for the further program. Thank you very much, everyone. Thank you, madam. Deepak, sir, maasam ko jala hai. Subhash Bhogia, sir, jo Jhulilal Trust, Vashiya, jo. जो बहराणो था कहन ए अज पलो पाइंदा अस ट्रस्टी के नाले ट्रस्ट के नाले मैं रिक्वेस्ट कदस सुभाष गोगिया सर ए बहराणे साहब के ये अस नाले पलो पाइंदा ये अस यूनिवर्सिटी वे राजे तो दीपक वाने ऑल टू यू जी सर जैसे कि पिशोरी सर ने बताया कि पलो पाइंदा सी मतलब आज देखिए कितनी ये आध्यात्मिक बातें हुई मन की संतुष्टि की बातें हुई कहते हैं कि एक कोटेशन है कि देयर इज नो पाथ टू पीस पीस इटसेल्फ इज अ पाथ शांति के लिए आपको कौन सा मार्ग चुनना है किस संघर्ष में है आप किस परेशानी में शांति खुद ही आपके जीवन का एक मार्ग है इस तरह के संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है श्रीमती एमएमके कॉलेज की ओर से हमने इशु मनसुखानी सर को सुना निरंजन रघुनंदानी जी को सुना शाहानी मैडम को सुना अनिल हरीश सर को सुना प्रताप पिंजानी जी को सुना कितनी तब आप देखिए इतनी बड़ी शख्सियतें इतनी बड़ी हस्तियां जिनको जीवन में सारी खुशियां लेकिन उन खुशियों के बावजूद वो मन में एक बात जो रखते हैं जो पूरे जग तक आज उन्होंने इस लाइव स्ट्रीमिंग शो के थ्रू पहुंचाई है कि वो कहते हैं कि मन की शांति मन की खुशी उसी में है कि हम जन सेवा करें दूसरों की सेवा यही दादा जशन वासवानी जी का संदेश भी था कि इंसान जात की सेवा ही
ईश्वर की सेवा। चलिए चलते हैं बैराना साहब की ओर। बैराना साहब की जो है शुरुआत हो चुकी है और तो झूलेलाल बैरा दादा श्याम जय झूलेलाल। Thank you.
Sing out and
Thank you.
जूम ते तो लिया Thank you.
Thank you.
सेल्फ एंड ताली बजाओ तो वाले बोले प्रिंसिपल को भी बोलती हूँ तो क्या करते हो अनम्यूट करे जल्दी हाथ पैरों दिखाओ तो हाथ दिखाओ घरों को ले गए घर में अच्छा वो डिसीजन अटेगा मुझे नहीं तो टाइम है जुड़ो
Thank you.
Thank you.
प्रज्ञा है विश्वता ब्योवा आवाज तो अच्छे Thank you.
सेवक तन कारु ओम जय दूला देवा गुल मेवा सब जुखन मज भजन मला कोखन मज भजन हो दूल कोखन मज भजन तुझी आए लाली अमर लाल अचूट अमर लाल अच सबनी बट हे जग जावाली ओम जय दूला देवा पानी बिन प्यासा जे कानंद आनंद कज जे कानंद आनंद कज पूरण कर आशा ओम जय दूला देवा जय दूला देवा स्वामी जय दूला देवा देवा जय दूला देवा पूजा कन्ता प्रेमी पूजा कन्ता प्रेमी बिना पुर की सेवा ओम जय दूला देवा दूला देवा स्वामी जय दूला देवा देवा जय दूला देवा पूजा कन्ता प्रेमी ते पूजा कन्ता प्रेमी सिदा पुर की सेवा ओम जय दूला देवा सबई चो झूलेला केशवम राम नारायणम वचुतम केशवम नारायणम विश्वदाम मोक्षदाम वासुदेवारे निजदाम मदगम गोपिकावल्लभम निजदाम मदगम गोपिकावल्लभम जानकी के नायकम रामचंद्र भजे जानकी के नायकम रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राधा कृष्ण हरे हरे लाल सबई चौ झूलेला झूले सजन मुझो झूले सजन मुझो झूले तेरो झूले 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 सजन मुझो झूले
झूले झूले लालण मुझो झूले यो हम लाल आयो जनवारो उड़े रो लाल आयो 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 लाल आयो झूले लाल आयो जो जनवारो उड़े रो लाल आयो दर तुझे तेजे के आया तेजे के आया तेजे दर तुझे तेजे Om Namah Shivaya.
Thank you.
Oh,
दर्शन कर मन में वसाए के जो दर्शन दादा जो दर्शन सारी दुनिया ही कराया मीडिया वाले दादा इसको बंद करो भैया।
मुझे लाल जाती चो सब झूलेलाल जो लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल